ये समीर जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में आपको क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि धनिया और जीरा, ये दोनों हल्दी से ज़्यादा अच्छे खासे लेवल्स पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से देख रहे हैं कि जीरा 15,000 की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है, और जो धनिया है पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से 8,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जी देखिए, जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, धनिया ही एक टॉपिक में था जहां हमने 8,050 के स्तर की बात की थी, तो आज वो हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। मुझे लगता है कि इसमें भी कुछ और समय तक का कंसोलिडेशन रहेगा, यानी 2 हफ्ते आप देख पाएंगे कि 8,250 पे रेजिस्टेंस होगा, जबकि 7,900 के करीब सपोर्ट होंगे, तो कुछ और समय का कंसोलिडेशन है। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है इवेंचुअली हम एक रैली देख सकेंगे जिसमें अपसाइड पोटेंशियल जो है वो 8,550 से 8,700 का होगा। तो अगर मैं लंबी अवधि की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसमें तेजी है, और जो निवेशक है वो इन स्तरों पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते साइडवेज रहने के बाद प्राइजेस जो है अपसाइड निकल सकते हैं। जी, तो यानी कि धनिया में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। लंबी अवधि में 8,500 से 8,700 तक के लेवल्स धनिया के वायदा बाजार में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।